नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखने के लिए आज दुनिया के 64 देश हैदराबाद पहुंचे। वहीं दिल्ली में देश में बन रही दो वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। भारत में वैक्सीन बसाने ही वाली है, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने देश में वैक्सीन दिए जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोरोना से जंग का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है, देखिए। पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है, कमर कस के तैयार बैठे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है। कोरोना से जंग में अब आर पार, मोदी सरकार का रोडमैप तैयार। देश के कोने कोने तक पहुंचेगी वैक्सीन। सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा प्लान। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मिशन संजीवनी के साथ भारत ने कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस चंद दिन रह गए हैं जब देश में बन रही 3 में से 2 वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। भारत में कोरोना को परास्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। महानगरों से लेकर ब्लॉक तक कोरोना पर वैक्सीन से वार का पूरा रोडमैप तैयार है। पहले चरण में सरकार ने बताया है कि 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी, और 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए एक एम्बिशियस रोल आउट प्लान बनाया गया है। कोरोना का सफाया करने के लिए भारत में 2 टीके लगभग तैयार है। इंतजार है तो बस ये कि भारत में इस्तेमाल की उन्हें मंजूरी मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI को आवेदन दिया था। इस मुद्दे पर दिल्ली में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। उसने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम को अभी और आंकड़े जमा करने होंगे, इसके बाद वो DGCI से सिफारिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों वैक्सीन में कोई दिक्कत है। सूत्रों की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड के लिए ब्रिटेन में अप्रूवल की अर्जी दे रखी है। वहां से मंजूरी मिलने तक कमेटी इंतजार करना चाहती है। वहीं सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि थोड़ी देर हो लेकिन वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। आज दिल्ली में होने वाली SEC यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक ने एक बात तो साफ कर दी है, वो तब तक एक वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देंगे जब तक उसमें सेफ्टी का डेटा सामने लाकर नहीं आता है। वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। वहीं बायोटेक की कोवैक्सीन तीसरे चरण में है। दोनों ने इस्तेमाल के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन दूसरा डोज दिए जाने के बाद के नतीजे आने तक इंतजार करना होगा। एक बार रिक्रूटमेंट फेज 1 के देने के बाद फिर उसका सेकेंड डोज देने, 4 वीक के बाद सेकेंड डोज देना है, सो इट विल टेक अनदर एटलीस्ट 1 मंथ टाइम। माना जा रहा है कि जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का रोडमैप तैयार कर लिया है। केंद्र और राज्यों ने प्राथमिकता वाली आबादी की पहचान कर ली है। सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना वैक्सीन लेंगे, और फिर 27 करोड़ बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। इसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोग होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन को रखने के इंतजाम शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, कोल्ड स्टोरेज बेहद जरूरी है, इसीलिए जो कोल्ड रूम पहले से एक बना हुआ है और 2 और बनाया जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर जो सामान है, AC जैसे एयर कंडीशनर्स है, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो
बिहार सरकार भी युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारी कर रही है, केंद्र सरकार के साथ तालमेल किया जा रहा है। और अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख डोज को जो है वो रख रखाव की जो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वैक्सीन देने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से लेकर राज्यों में ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाया गया है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, पटना में रोहित कुमार सिंह और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र से लेकर राज्यों तक वैक्सीन दिए जाने के प्रशासनिक इंतजाम पूरे हैं। अब राज्यों में वैक्सीन के रखरखाव से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्यों की राजधानी से लेकर ब्लॉक के स्तर तक जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होने वाला है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए देश में कई स्तर वाले कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। राज्य के स्तर पर 2 समितियां होंगी, एक स्टीयरिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे और दूसरा स्टेट टास्क फोर्स बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव स्वास्थ्य करेंगे। वैक्सीन देने की शुरुआत से ठीक पहले राज्यों में 7 दिन और 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसके मुखिया जिला कलेक्टर होंगे। मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे महानगरों में एक शहरी टास्क फोर्स बनाया जाएगा, वहीं एक जिला कंट्रोल रूम भी काम करने लगेगा। वहीं निचले स्तर पर ब्लॉक टास्क फोर्स बनाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के पास पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के इंतजाम हैं? तो सरकार के मुताबिक उसके पास 85,634 कोल्ड चेन इक्विपमेंट हैं, जिनमें वैक्सीन को निर्धारित तापमान पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही देश में 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जहां वैक्सीन और सिरिंज को स्टोर किया जाता है। सरकार के मुताबिक पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए इनसे काम हो जाएगा। तो ये जो करंट कोल्ड चेन है ये केपेबल है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अतिरिक्त एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर कर सके, जिसकी जरूरत पहले 3 करोड़ लोगों को होगी। अगर राज्यों को इनके अलावा साधनों की जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार उसका इंतजाम कर रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना का टीका लगाने के दौरान सामान्य टीकाकरण अभियानों पर असर पड़ने नहीं दिया जाएगा। देश में चल रहे 13 अलग अलग टीकों को लगाने का काम रोका नहीं जाएगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चुनाव की प्रक्रिया के साथ ही देशव्यापी स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभवों का इस्तेमाल करेगी। देश में करीब 2,39,000 वैक्सीनेटर हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 1,54,000 ANM का इस्तेमाल COVID-19 वैक्सीन के लिए करेगी। सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे, बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के लिए कोविन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। जो भी वैक्सीन लेना चाहते हैं वो कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऐप मुफ्त है। इसका इस्तेमाल वैक्सीन के डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाएगा, यानी आपने किस तारीख और समय पर वैक्सीन ली और अगली डोज कब लेनी है, इसकी सारी जानकारी कोविन ऐप पर होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक बार करीब 100 लोगों को कोल्ड चेन पॉइंट पर बुलाया जाएगा। एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में करीब आधा घंटा लगेगा। इसके बाद QR कोड के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत को दुनिया के बड़े देश भले ही बाजार के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज हैदराबाद में एकदम अलग ही तस्वीर नजर आई। दुनिया के 64 देशों ने हैदराबाद में बन रही कोरोना वैक्सीन को देखा। ये देश भारत से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी कर सकते हैं। दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत।
हैदराबाद में 64 देशों के राजदूत। कोरोना को हराने के लिए भारत तैयार। I was really impressed to see how far you have come. मानवता से पीएम मोदी के वादे का प्रमाण। पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। कोरोना कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से उबारने के लिए भारत विश्व गुरु की तरह आगे आया है। इसका सबूत दुनिया के अलग अलग देशों के 64 राजदूतों ने हैदराबाद में अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भारत बायोटेक का दौरा किया जहां कोवैक्सीन बन रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में आज विदेशों के करीब 50 से ज्यादा राजनयिक इस भारत बायोटेक की फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। इस हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित फैसिलिटी का दौरा कर ये विदेशी राजनयिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 और इसके सक्सेस, इसकी सफलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। खास बात यह कि कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसका फेज 3 ट्रायल्स देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है और अब ये राजनयिक इस वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। भारत बायोटेक के चेयरमैन और MD डॉक्टर कृष्णा एला ने राजदूतों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया दुनिया की 33% वैक्सीन इसी जीनोम वैली में बनती है। हैदराबाद में FDA से स्वीकृत सबसे बड़ी वैक्सीन सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ बनने वाली वैक्सीन पूरी मानवता के लिए उपलब्ध होगी। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया था। सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हैदराबाद पहुंचे राजदूतों ने भारत बायोटेक के साथ ही बायोलॉजिकल ई कंपनी का भी दौरा किया। उन्होंने वैक्सीन बनाने में भारत की तेजी और मानवता के प्रति समर्पण की खुले दिल से सराहना की। I was really impressed to see how far you have come, how dedicated you are working in order to combat the COVID-19 virus, how really focused you are on helping humanity. It's not just a commercial interest, it's not just a nation first interest. You're really connecting with the rest of the world. ये कोरोना काल में भारत के हितों की रक्षा करने के साथ ही पूरी दुनिया की मदद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रण का सबूत है। भारत ने 190 से ज्यादा देशों के राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वैक्सीन बनाने की जानकारी दी थी। अब राजनयिकों को उसका प्रमाण दिखाया गया है। कोरोना काल में भारत ने न केवल अपनी बल्कि दुनिया भर के देशों की मदद करने का दृढ़ निश्चय बना लिया है। इसी के चलते पहले 190 देशों के राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जानकारी दी और अब कई सारे राजनयिकों को हैदराबाद ले जाकर उसका प्रमाण भी दिखाया। हैदराबाद के बाद इन्हें दूसरे शहरों में ले जाया जाएगा जहां वो कोरोना को परास्त करने के भारत के संकल्प को देख सकेंगे। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखने दुनिया भर से लोग तो आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आम आदमी के लिए भी उपलब्ध हो ताकि कोरोना को हराएं और जिंदगी को बचाएं। हमारी इस पेशकश में विशेष में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।